1978 में चाइना की नॉमिनल जीडीपी अमेरिका के मुकाबले में 6% थी, जो बढ़ते बढ़ते 2019 तक 66% हो गई। और अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो चाइना ऑलरेडी अमेरिका को टेक ओवर कर चुका है। चाइना की इस तेज रफ्तार तरक्की से अमेरिका को अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिका ने चाइना के साथ ट्रेड वार शुरू कर रखी है। ट्रेड वार क्या है और ये क्यों शुरू हुई, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं इरफान आरिफ और आप देख रहे हैं किताब पीडिया। Trade war worries igniting. Is the trade war back on? Trade war. Trade war. Full blown trade war. चाइना और अमेरिका की जंग टैरिफ्स के गिर्द घूमती है। टैरिफ एक ऐसा टैक्स होता है जो इंपोर्ट्स पर लगाया जाता है। अब हम एक मिसाल से देखते हैं कि टैरिफ क्यों लगाया जाता है। फर्ज कीजिए ये फुटबॉल चाइना में बनता है और ये पाकिस्तान में। इस चाइनीज फुटबॉल की प्राइस 500 रुपये है, जबकि इस पाकिस्तानी फुटबॉल की कीमत 600 रुपये है। टेक्निकली पाकिस्तानी फुटबॉल को सस्ता होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में बना है, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन पर कोई खर्च नहीं आया। मगर क्योंकि यहाँ बिजली चाइना की निस्बत महंगी है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। चाइना में बिजली सस्ती है और वहाँ पे असेंबली प्लांट्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से कम वक्त में ज़्यादा और म्यारी फुटबॉल तैयार किए जा सकते हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट भी कम होगी। अब जब ये दोनों फुटबॉल मार्केट में फरोख्त के लिए रखे जाएंगे तो सब लोग ये चाइनीज़ फुटबॉल को ख़रीदेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस पाकिस्तानी फुटबॉल से कम है, जबकि दोनों की क्वालिटी सेम है। इसलिए चाइनीज फुटबॉल तो बिकते रहेंगे, मगर पाकिस्तानी फुटबॉल को महंगा होने की वजह से कोई नहीं खरीदेगा। जब फुटबॉल बिकेंगे नहीं तो पाकिस्तान की फुटबॉल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जिससे मुंसलिक लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे और पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा। इस मुश्किल से बचने के लिए पाकिस्तान चाइनीज फुटबॉल पर टैक्स यानी टैरिफ लगाएगा, जिसके बाद इस फुटबॉल की कीमत भी 600 रुपये हो जाएगी। अब पाकिस्तानी फुटबॉल चाइनीज फुटबॉल का मुकाबला करने के काबिल हो चुका है, मगर बदले में अब चाइना भी पाकिस्तानी एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा देगा। इसी टैरिफ्स की जंग को ट्रेड वार कहा जाता है। नाउ द सेम थिंग हैपनिंग विद अमेरिका बट ऑन मच मच लार्जर स्केल। दे टेक आवर मनी, दे टेक आवर जॉब्स एंड वी ओ देम 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स। टैरिफ्स आमतौर पर लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे लोकल इंडस्ट्री ग्रो करती है, नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, मगर ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में ट्रेड कम होती है और इकोनॉमी श्रिंक करना शुरू कर देती है। अब ट्रेड वार को नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1930 में अमेरिका ने 900 इंपोर्ट्स पर 40-48% टैरिफ लगा दिया, जिसका मकसद अमेरिकी किसानों की मदद करना था, मगर टैरिफ ज़्यादा लगने की वजह से फूड प्राइसेस बढ़ गईं। उन दिनों में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का भी दौर था, जिसकी वजह से ये टैरिफ किसानों की मदद करने की बजाय उनके लिए ही अजाब बन गए। इंटरनेशनल ट्रेड 65% कम हो गई, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, जो अल्टीमेटली वर्ल्ड वार टू की वजह बनी। अब अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन और चाइना से ट्रेड वार शुरू कर रखी है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप अमेरिका का 620 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहते हैं। इस ट्रेड डेफिसिट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर चाइना है। 2018 में अमेरिका ने 648 बिलियन डॉलर के टेलीविजन्स, ड्रग्स और कपड़े चाइना से इंपोर्ट किए, मगर अमेरिका ने सिर्फ 206 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट की, जिससे 442 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट पैदा हुआ। इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए अमेरिका ने चाइना और यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ्स लगा दिए, मगर चाइना और यूरोपीय यूनियन ने रिटेलिएट करते हुए अमेरिका पर टैरिफ लगा दिए। टैरिफ्स की इस जंग में सबसे ज़्यादा मुतासर अमेरिकी किसान होते हैं, क्योंकि अमेरिका में सोयाबीन बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है, जिसे बाद में चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मगर जब से सोयाबीन पर टैरिफ्स लगे हैं, अमेरिकी किसान इससे शदीद मुतासर हो रहे हैं। इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिकी किसानों की हालत इतनी ख़राब हो गई कि ट्रंप को 2018 में 12 बिलियन डॉलर और 2019 में 16 बिलियन डॉलर की सब्सिडी अमेरिकी किसानों को देना पड़ी। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका के साथ ट्रेड कम करके जापान और मैक्सिको के साथ टैरिफ फ्री ट्रेड का आगाज कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को मजीद नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए अमेरिका ने चाइना पर 250 बिलियन डॉलर के टैरिफ लगा दिए, मगर बदले में चाइना ने भी 60 बिलियन डॉलर के टैरिफ अमेरिका पर लगा दिए। जैसे जैसे अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, वैसे वैसे चाइना भी टैरिफ बढ़ा देता है। अब भी ट्रंप 350 बिलियन डॉलर के टैरिफ चाइना पर लगाना चाहते हैं, मगर ये उनके बस में नहीं है। We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. इस वक्त चाइना बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। 2025 तक चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है, और मजे की बात यह है कि चाइना जिस ट्रैक पर चल रहा है, अगर उसी पर चलता रहा तो 2025 तक इकोनॉमिक सुपर पावर बन भी जाएगा। मगर अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए अमेरिका चाइना को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। चाइना ने सही मानों में 1978 के बाद तरक्की करना शुरू की, जब चाइना ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए।
1978 में चाइना की नॉमिनल जीडीपी अमेरिका के मुकाबले में सिर्फ 6% थी, जो 2019 तक बढ़ते बढ़ते 66% हो गई। और अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो चाइना ऑलरेडी अमेरिका को टेक ओवर कर चुका है। 2001 में चाइना अमेरिका की मदद से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा बन गया, जिसके बाद चाइना की एक्सपोर्ट में बेतहाशा इजाफा हुआ। उस वक्त अमेरिका समझता था कि चाइना तरक्की करने के बाद मगरब की तरह एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनेगा, मगर ऐसा ना हुआ। और अब जब चाइना अमेरिका को इकोनॉमिक मैदान में नॉकआउट करने के करीब है, तो अमेरिका का मानना है कि चाइना ने यह तजारती खेल ईमानदारी से नहीं खेला। अमेरिका के इस एतराज के पीछे दो बड़ी वजूहात हैं, जो आई थिंक काफी हद तक वैलिड भी हैं। एक तो चाइना अपनी कंपनियों को चाइना में फैसिलिटेट करता है, जैसे प्लांट लगाने के लिए मुफ्त जमीन की फराहमी और टैक्स ब्रेक वगैरह, मगर मगरबी कंपनियों के लिए ये सहूलियात मैसर नहीं होती, इसलिए चाइना में मगरबी कंपनियां ज्यादा कामयाब भी नहीं हो पाती। दूसरा, अमेरिका का मानना है कि चाइना मगरबी कंपनियों की टेक्नोलॉजी चोरी करता है, जिसके बाद उसकी कॉपी तैयार करके सस्ते दामों मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। वैसे ये काम अमेरिका भी करता है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि वो ये काम सिक्योरिटी मकासद के लिए करता है, ना कि तजारती मकासद के लिए। इसलिए अमेरिका ने चाइना को सराते मुस्तकीम पर लाने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगा दिया, मगर अगले ही दिन चाइना ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिए। जब फिर भी बात ना बनी तो अमेरिका ने चाइना की सबसे बड़ी टेक कंपनी हुआवे को अमेरिका में बैन कर दिया। ये ट्रेड वार चलती रही और अमेरिका हर तरफ से नुकसान उठाता रहा। इस ट्रेड वार की वजह से चाइना और रशिया एक दूसरे के करीब आए और दोनों के तल्लुकात बेहतर हो गए। जब अमेरिका ने हुआवे को अपने मुल्क में बैन किया, तो रशिया ने हुआवे को अपने मुल्क में वेलकम किया, और अब दोनों मुल्क मिलकर 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। इस ट्रेड वार में अमेरिका को हर तरफ से शिकस्त का सामना है। अमेरिका जापान, यूरोपीय यूनियन और कनाडा के साथ अपने तल्लुकात खराब कर चुका है, जिसकी वजह से अब नेटो का वजूद भी खतरे में है। खैर, हम नेटो वाले टॉपिक को किसी और वीडियो में डिटेल से देखेंगे। इस ट्रेड वार का एक सियासी पहलू भी है। चाइनीज टैरिफ्स की वजह से सबसे ज़्यादा ये एरिया मुतासर होता है, और मज़े की बात यह है कि ट्रंप को सबसे ज़्यादा वोट भी इसी रीजन से मिलते हैं। तो अब अगर ट्रंप चाइना से डील में कामयाब नहीं हो पाते, तो इलेक्शन में ट्रंप को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ट्रंप अब चाइना से डील करना चाहते हैं, जिसके लिए वो चाइनीज सदर से मिले भी, और मुलाकात के बाद ट्रंप ने 90 दिनों के लिए कोई नया टैरिफ ना लगाने का ऐलान किया। अमेरिका में इलेक्शन करीब हैं और ट्रंप इलेक्शन से पहले हर हाल में ये डील करना चाहते हैं, क्योंकि इस डील से उनका वोटर बेस बढ़ेगा। मगर माहरीन का ख्याल है कि अमेरिका की ये जल्दी ही अमेरिका को ले डूबेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस ट्रेड वार को कहां तक जाता देखते हैं। क्या ये जल्द ख़त्म हो जाएगी, या कोल्ड वार की तरह एक लंबे अरसे तक चलेगी, और इस ट्रेड वार का विनर कौन होगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल किताब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।